नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जम कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम का समय होगा, क्योंकि लॉकडाउन सब खत्म हो चुके हैं। तीसरा चरण में थर्ड वेव आने की संभावनाएँ कम है, लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है लगातार प्रयास है कि जो भी एग्जाम हो गए, चाहे यूजीसी नेट की बात की जाए, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की बात की जाए या SSC CGL की बात किया, सभी तरह के एग्जाम आप कंडक्ट कराने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही जो है इसकी घोषणा भी की जाएगी। चलिए इसी साथ आज की सुर्खियों को जानते हैं, इसके बाद आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो बता दूं कि बंगाल विधानसभा में जो है विधान परिषद का गठन का रास्ता साफ हो गया है, इसके लिए वोटिंग हुई, जिसमें से जो है सभी लोगों ने 70 विधायकों के छोड़कर सभी लोगों ने जो है उसके पक्ष में वोट किया और जल्द ही जो है विधान परिषद का गठन किया जाएगा। इसके साथ बता दूँ कि सिंगापुर में 15 साल में जो है भारतीय पेशेवर की संख्या जो है दुगनी हो चुकी है। और दूसरी ओर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात किया, सोशल वेबसाइट नेटवर्किंग कंपनियां जो है फेसबुक ट्विटर गूगल ने जो है हांगकांग छोड़ने की धमकी दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज की जो खबर है वो है कि अफगानिस्तान में जो है तेज़ी से पैर पसार रहा है तालिबान, कई जिलों में एक तिहाई अधिक से जिलों में जो है अपना पैर पसार चुका है, जिससे चिंता का विषय बना हुआ है। भारत सरकार अपनी चारों दूतावास बंद करने की योजना बना रही है, सभी कर्मचारियों को वापस बुलाए जा रहे हैं, सभी देश जो है इस पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। चलिए इसी का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दीजिए, हम बजाकर प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि एवरीडे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, ये करंट अफेयर्स इस टॉपिक को जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। आज का टॉपिक जो है खास होने जा रहा है, जरूर देखिए इस वीडियो को अंत तक। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हम सभी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे, देखो पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए आज का इतिहास दो सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1928 में स्लाइस्ड ब्रेड है ना, स्लाइस्ड ब्रेड यानी पीस का कटा कटा हुआ ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, तो स्लाइस्ड ब्रेड की बिक्री अमेरिका में शुरू हुई थी। इसे जो ऑटो रोहवेडर की बनाई मशीन से काटा गया था, इसे क्लीन मेड स्लाइस्ड ब्रेड के नाम से प्रचारित किया गया था। रोहवेडर 1917 में भी मशीन बना रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। आज ही के दिन वर्ष 1896 में भारत में सिनेमा का प्रवेश शुरू हुआ। मुंबई के वाटसन होटल में फ्रांस के लुईमर बंधुओं ने पहली बार 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था। पहले दिन 200 से ज़्यादा दर्शकों ने 1 रुपये दे के फिल्म देखी थी। आज ही के दिन वर्ष 1963 में भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा का जन्म हुआ। एक वक्त ऐसा था जब वे खेलों में देश के लिए मेडल जीतना चाहते थे, जब वे इस क्षेत्र में करियर नहीं बना पाए तो एड इंडस्ट्री से जुड़ गए और फिल्म अक्स से 2001 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने जो है उन्हें पहचान रंग दे बसंती से मिली, जो काफ़ी प्रसिद्ध थी फिल्म। ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए इसी क्या चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में कि हांगकांग में जो जिस तरह से जो है सोशल वेबसाइट्स या सोशल नेटवर्किंग कंपनी जो छोड़ने की बात कर रही है, वो क्या है रिपोर्ट। तो बता दूँ सोशल मीडिया और कंपनियाँ फेसबुक ट्विटर गूगल ने जो है हांगकांग सरकार को धमकी दी है कि डेटा संरक्षण के कानूनों में अगर अधिकारियों ने बदलाव करने की कोशिश की तो वह इस क्षेत्र में कामकाज बंद कर देंगे। फेसबुक ट्विटर और गूगल आदि ने कहा है कि हांगकांग में डेटा प्रोटेक्शन के तहत नए कानून मिलाकर गलत इरादे से लोगों को ऑनलाइन सूचनाएं ना मांगी जाए। इंटरनेट कंपनियों के समूह WSJ की ओर से भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि इन कंपनियों को लगता है कि इस कानून में संशोधन करके उनके कर्मचारियों को आपराधिक जाँच के दायरे में लाया जाएगा या फिर यूजर्स को अपने किसी निजी पोस्ट के लिए आपराधिक जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो चिंता बना हुआ है। और दूसरी ओर बात की जाए तो वहाँ के जो हांगकांग के जो नेता हैं केरी लैम ने भी कहा है कि विचारधाराएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं। उन्होंने अभिभावकों अध्यापकों और धार्मिक नेताओं से आग्रह किया है कि वह किशोरों के व्यवहार पर नजर रखे, साथ ही प्रशासन का कानून तोड़ने वाले के संबंध में जानकारी दे। तो ये कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय भी बना हुआ है, लेकिन हांगकांग का ये रवैया जो है सोशल वेबसाइट नेटवर्किंग के साथ गलत है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट करंट अफेयर कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दें कि कभी क्लास जो भी नहीं किए हैं उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल की ओर।
तो बता दूं, रिटायर हुए जेफ बेजोस एंडी जेसी अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो मैं बता दूं कि 1997 में जो है एंडी जेसी ने जो है अमेजन ज्वाइन किया था, और अमेजन में जो है जुलाई 1994 में जो है, यानी 70 साल पहले जो है जेफ बेजोस ने जो है ये कंपनी बनाई थी। आज कंपनी की बात की जाए तो $1.7 लाख की है, $1.7 लाख की कंपनी बन चुकी है अमेजन, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। और आखिर जो 70 साल बाद जो है इन्होंने जो अपना पद छोड़ दिया, और उनकी कंपनी के एक हर टैलेंटेड व्यक्ति जो कि बहुत सारे उनकी कंपनियों को देख रहे हैं, अवेलियस के सीईओ भी रह चुके हैं ये, अब जो है उनको सीईओ बनाया जा चुका है एंडी जेसी। नेक्स्ट बार भारत सरकार ने रबी फसल गेहूँ का रिकॉर्ड खरीद कर की सीधे किसानों के बैंक खाते में जो है 84,000 करोड़ रुपये की राशि पहुँचा दी है। तो बता दें कि 50 लाख किसानों से जो है 4,33,00,000 टन जो है सरकार ने खरीदा है, और भुगतान सीधे उनके खाते में किया है, और भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए जो है राज्य सरकारों को भी आदेश दिया गया है, और केंद्र सरकार भी अपना बड़े पैमाने पर इस पर काम कर रही है। तो गेहूँ की इस बार जो है पैदावार बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट बता दूँ कि आज पूरे विश्व भर में 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे मनाया जा रहा है। अगले न्यूज़ की बात की जाए तो चीन ने एक ऐसा नया मौसम उपग्रह FY3E को लॉन्च किया, सफलतापूर्वक परीक्षित किया है, जो कि अगले 8 वर्ष तक जो है ये अपना सेवा देगी। और असेन ये उपग्रह है जो कि समुद्र से जुड़े हुए गहराई का बारे में अध्ययन करेगी, और भी बहुत सारे इसके जो है फंक्शन है, कार्य हैं, खास करके जो है इसको मौसम, पर्यावरण और समुद्र से जुड़े हुए गहन अध्ययन के लिए जो है इसका लॉन्चिंग की गई है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चीन जो है लगातार अपना पैर पसार रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष की बात की जाए या पूरे विश्व में उसकी विस्तारीकरण नीति जो है पॉलिसी चल रही है। उसने जो है हाल ही में अफगानिस्तान को भी जोड़ने का काम किया है, और अपने जो है वहाँ पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर जो वहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ताकि अफगानिस्तान भी जो है उसके झांसे में आ जाए और उसको कब्जा उस पर कब्जा किया जा सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग लॉन्च की गई। ये पहली पार्किंग सेवा है देश की, जिसमें और इसमें साथ साथ दो पहिया को भी वाहनों को भी जो है DMRC स्मार्ट कार्ड स्वाइप ऐप के से जो है उनको भी पार्किंग दी जाएगी। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर जो है फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा शुरू की गई, जो कि देश की पहली पार्किंग सेवा है ऐसी। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। सिंगापुर में 15 साल में भारतीय पैसेवर दुगने हो गए हैं। 2005-2020 के बीच भारतीय संख्या जो है 13% से 26%, यानी 2 गुना हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान ज़्यादा संख्या में जा रही नौकरियों पर जो स्थानीय लोगों का भी जो है यहाँ आरोप लगा है कि भारतीयों को सहूलियत दी जा रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ संसद जनशक्ति मंत्री TN Xi Jinping ने कहा है कि आंकड़ों के साथ पूरा स्पष्टीकरण दिया है, भारतीयों की संख्या तकनीकी योग्यता के आधार पर बढ़ी है, ना कि सरकारी स्तर पर किसी प्रकार का सहूलियत नहीं दी जा रही है। वैश्विक स्तर पर विकास के लिए जरूरी तकनीकी प्रतिभा की मांग के कारण ऐसा हो रहा है, ये बातें की गई है। उनकी योग्यता वाले लोग जो है वहाँ पर उनको नियुक्ति बड़े पैमाने पर की जा रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेपाल में चुनाव आयोग ने मध्य अवधि चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक चलने वाला है। तो बता दें कि यह चुनाव जो है 2 नवंबर तथा 19 नवंबर को जो है ये मतदान की जाएगी, ये बातें की गई है चुनाव आयोग नेपाल की। तो देख सकते हैं उनकी ऑफिस चुनाव आयोग का। दूसरी ओर चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समेत देश के गणमान्य लोगों ने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने जो है जनसंघ की स्थापना भी की थी। तो चलिए हम सब भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनसंघ के संस्थापक प्रखर राष्ट्रवादी एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को।
चलिए नेक्स्ट न्यूज, आखिरी दो सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी दो सवाल में क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो पेटीएम ने पोस्ट पेड मिनी को पेशकश की है जिसके जरिए ग्राहक को 250 से लेकर 1000 तक का कर्ज जो है तुरंत मिल जाएगा। ये बिल्कुल ब्याज रहित होगा, यानी कोई तरह का ब्याज इसमें नहीं लिया जाएगा। और कहूँ मैं बता दूँ कि 30 दिन तक जो है ये लोन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें जो है आदित्य बिरला फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ जो है भागीदारी के साथ जो है ये योजना शुरू की गई है पोस्ट पेड मिनी को। तो पहली बार जो है ऐसा व्यवस्था की गई है। दूसरी बात की जाए पेटीएम जो है अपनी नई व्यवस्था और नई जानकारियों के साथ जो है बहुत सारे जो है कैशबैक ऑफर देने वाली है, जिसमें से 1000 या 100 कहा जाए तो कुछ राशि मतलब दी जाएगी उसके अलग अलग जो है बताई गई है। इसलिए आखिर सवाल के बढ़ते हैं, भारत और दुनिया के 129 देशों ने वैश्विक न्यूनतम कर समझौते पर जो है सहमति जता दी है। तो सभी लोग जो है यही चाह रहे हैं कि न्यूनतम वैश्विक ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है जारी किए जाए, जिससे जो है भारत को खास करके जो है बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी यानी लाभ होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को मैं बता दूँ। आज का स्पेशल रिपोर्ट में मैं भारत सरकार के द्वारा 8 राज्यपालियों को अन्य या 8 राज्यों में नियुक्ति की गई उनसे जुड़ी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। फिर विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब के बता दूँ। स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई स्टैंड जो है सुई का स्टैंड जो है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होगी। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो ऊपरी बल तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। वातावरण में ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। कहाँ होता है तो पृथ्वी के केंद्र में, कहाँ नहीं होता है पृथ्वी के केंद्र में नहीं होता है। आगे सवाल, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि काफ़ी अहम क्वेश्चन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। और आप सभी को जो है इसका नोट्स जरूर तैयार करना है ताकि आने वाले समय में इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आया है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सको या स्क्रीनशॉट भी आप दे सकते हो। चलिए आगे मैं आपको एक विशेष रिपोर्ट से आपको रूबरू करा दूँ जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैं आपको राज्यपाल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ, जरूर देखिए। चलिए बता दूँ NSE के बारे में, NPS के नेशनल पेंशन स्कीम। तो गणना को इस तरह समझें तो इस तरह होगा आवेदन, प्री मेच्योर विद्रॉवल की शर्तों के साथ मिली मंजूरी, मेच्योर से पहले स्कीम के बाहर निकलने के लिए NPS लाइट स्वावलंबन सब्सक्राइबर जिनके खाते में अधिकतम 1,00,000 रुपये जमा है, विदड्रॉवल क्लेम फॉर्म को एसोसिएटेड POPs एग्रीग्रेट्स के पास जमा कर सकते हैं। सर्कुलर के मुताबिक सेंट्रल रिकॉर्डिंग कीपिंग एजेंसी CRA को योग स्वावलंबन सब्सक्राइबर्स और POP एग्रीग्रेटर्स से लेकर के कम्युनिकेट करने की सलाह दी गई है। 2 जुलाई 2021 को जारी सर्कुलर में PFRDA ने एग्जिट रेगुलेशंस के 6 संशोधन के मुताबिक सब्सक्राइबर को यह आजादी दी गई है कि इसके तहत सब्सक्राइबर पेंशन खाते की पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। तो नियामक सर्कुलर के मुताबिक पेंशन खाते की कुल राशि में से सरकार के योगदान को हटाना होगा। PFRDA ने एक उदाहरण के जरिए समझाया है कि कोई 44 वर्ष स्वावलंबन सब्सक्राइबर है तो ऐसे में वह API स्कीम के तहत नहीं जा सकता और उसे अगर उसको स्वावलंबन खाते में 1,00,000 रुपये है जिसमें से सरकार की हिस्सेदारी और रिटर्न 4,500 है तो ऐसे में सब्सक्राइबर प्रीमियम विड्रॉ कर सकता है क्योंकि कुल पूंजी 1,00,000 रुपये से कम 9,500 1,00,000 रुपये में सरकार का योगदान 4,500 रुपये को हटाकर होगी। चलिए आज बता दूँ ये देख सकते हैं झारखंड की बात की जाए तो रमेश वैसे जी हैं, हरियाणा की बात की जाए तो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के बन के आए हैं, त्रिपुरा में जो है रमेश वैश जी थे पहले, PM श्रीधरन पिल्लई गोवा के बने हैं, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के बने हैं, के हरिबाबू मिजोरम के, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के, राजेंद्र विश्वास अलोकर हिमाचल प्रदेश के बने हैं। ये 8 राज्यों के। चलिए बता दें आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत सहित कई राज्यपाल नियुक्तियों की घोषणा की गई। राज्यपाल की कार्यपालिका की मुखिया होता है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के लिए योग्यता शर्त की बात की जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए,
संघ सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण का या कोई अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई धारण नहीं करना चाहिए। संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कार्यकाल की बात की है, राज्यपाल पद ग्रहण करते के तारीख 5 वर्ष की अवधि का धारण करता है। 5 साल का यह कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। यह राष्ट्रपति त्यागपत्र संबोधित करके अभी कभी भी इस्तीफा दे सकती है। इसे सातवें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी राज्यपाल से जुड़ा हुआ। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी आज की क्लास में। चलिए इसी साथ क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्लास का फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक के जाते हैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले सबसे आगे आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगेन। स्टे हेल्दी बी हैप्पी और एवरीडे 8 PM यूनिट कॉमर्स पेपर की क्लास की टू की जो है करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।